पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर फाखर अहमद है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अरसाए 10-12 साल से मैं मोमिन अंबा जनरल हॉस्पिटल औरंगी टाउन से एफिलिएटेड हूँ एज गायनेकोलॉजिस्ट, और यहाँ पे अपनी फील्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, इंक्लूडिंग सर्जरीज और मेडिकल ट्रीटमेंट। आज आपसे जिस सिलसिले में मैं थोड़ा सी गुफ्तगू करना चाहती हूँ, वो एक बहुत कॉमन, बहुत ही आम बीमारी है ख़वातीन की, जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियाँ हमारी और कुछ ओल्ड एज की ख़वातीन भी अफेक्टेड होती हैं, और उसका स्पेक्ट्रम इतना ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा फैली हुई डिज़ीज़ है कि वो मैं ये नहीं कह सकती कि एक ये सिर्फ एक इसका सिम्टम है और इसका ये, जैसे कि मलेरिया बुखार है उसका एक सिम्टम है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है बुखार का। ये एक इतनी वास्ट डिज़ीज़ है और इतनी यानी इतने सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करती है आपके, कि इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। और मैं बात कर रही हूँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। सिंड्रोम का मतलब होता है कि वो आपकी बॉडी के एक, आपके जिस्म के एक सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती बल्कि कई जगह पे अफेक्ट करती है। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो इस बीमारी के हैं, समझिए कि तकरीबन 6-12% तक हमारे पास अमेरिका का डेटा होता है, तो जो चाइल्ड बेयरिंग एज की औरतें हैं, बच्चा पैदा करने की उम्र की औरतें हैं, तकरीबन 6-12% तक हर मतलब औरत में ये मौजूद होता है। और इसकी सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन या सिम्टम जो हैं वो ये होते हैं कि आपकी महाना जो निज़ाम है माहवारी, उसकी बेकायदगी हो जाती है, वो कम हो जाते हैं पीरियड्स आना या बिल्कुल बंद हो जाते हैं पीरियड्स आना, आपका वज़न बढ़ जाता है, आपके चेहरे पे बाल आ जाते हैं। और उसकी जो एक और कॉम्प्लिकेशन जो कि बहुत ही कॉमन है और जिसके लिए ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो ये कि इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं, कि बच्चे कंसीव करने में, बच्चा ठहरने में मसला होता है, शादी हो जाती है और उसके बाद कई सालों तक बच्चे नहीं हो रहे होते, और आमतौर पर फिर जब एग्ज़ामिन किया जाता है और टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि PCOS है। बीमारी की जहाँ तक बात है कि वो क्या चीज़ है, एक्चुअली औरत का जो सिस्टम है अंदर का, ख़ास तौर पर ये मेंसेस का, माहवारी का और बच्चे पैदा करने का सिस्टम, तो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि हर महीने एक लिमिटेड अमाउंट के अंडे बनते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर होकर वो यूट्रस में रिलीज़ होते हैं और उसके बाद उसमें से प्रेगनेंसी होती है। अब PCOS के अंदर अंडे बहुत सारे बनने शुरू होते हैं हर महीने, लेकिन कोई भी मैच्योरिटी तक नहीं पहुँचता, और वो बिल्कुल छोटे 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 से बहुत सारे फॉलिकल्स या बहुत सारे सिस्टिक, पानी भरी थैलियाँ जिसे कहते हैं, कि वो बन जाती हैं अंदर, लेकिन अंडे इस काबिल नहीं होते कि उसमें से प्रेगनेंसी हो सके, और उसी वजह से फिर हार्मोन्स ख़राब होते हैं और पीरियड्स ख़राब होते हैं। तो ये जो इम्प्लिकेशंस हैं, अगर मैं कहूँ कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तो ट्रीटमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, या तो मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज़ हैं या ओबेसिटी है या चेहरे पे बाल हैं, दाने हैं, या फिर बच्चे नहीं हो रहे, और लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी हैं इसकी। देयर इज़ अ प्रेडिस्पोजिशन, यानी ज़्यादा चांस होता है कि उस औरत को शुगर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़ के लिए प्रोन हो जाती है, और एक ख़तरनाक इम्प्लिकेशन उसकी ये है कि जब काफ़ी अरसे तक ये हार्मोन जिस तरह इम्बैलेंस रहते हैं PCOS में, तो अल्लाह न करे बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, जो कि एक ख़तरनाक इम्प्लिकेशन है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, यानी इसकी ट्रीटमेंट की, देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है जब डॉक्टर हैं तो वो मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन से इलाज करेंगे, या सर्जरी की ज़रूरत है तो वो करेंगे। लेकिन PCOS वो डिज़ीज़ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, जिसे हम कहते हैं कि जो काम हो सकता है, वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सबसे द कॉर्नर स्टोन इज़ वेट लॉस, क्योंकि ऐसी औरतों में चर्बी ज़्यादा होती है आमतौर पर, फिर चर्बी अगर वो कम होगी जिस वक्त, तब हार्मोन्स जो हैं वो उस चर्बी की बजाय वहाँ जाके काम करेंगे यूट्रस पे या और जो टारगेट ऑर्गन्स हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेट लॉस किया जाए, अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बंद किया जाए, फैट मतलब इनटेक, जो फ्राइड फूड होता है ख़ासतौर पर आजकल का जो प्रोसेस्ड फूड है और जो बाज़ार में बने बनाए मैकडोनल्ड्स है, KFC है, बस खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं, शुगर इनटेक पता नहीं है,
चार चार पेप्सियाँ पी रहे हैं एक टाइम पे, तो वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी होगा। उसके अलावा हेल्दी फूड लेने के अलावा हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स नहीं कर सकते तो अपना वॉक भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी के मामूल का हिस्सा बनाइए ताकि आप शुरू की एज से इसको यानी प्रिवेंट कर सकें। और अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, आप जो औरतें हैं वो अपनी छोटी बच्चियों को देखें हैं जिस वक्त उनके मेंसेस स्टार्ट होने का टाइम होता है, उस वक्त उनका सिस्टम देखें, उससे आंखें बंद ना करें और अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर को दिखाएं जाके, क्योंकि ये अगर सटल शुरू होता है और उसको शुरू में पकड़ लिया जाए और उसकी ट्रीटमेंट दे दी जाए और हार्मोनल मिलियो को सही कर दिया जाए अंदरूनी, तो फिर वो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में अपने कैपेसिटी में मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ सर्विस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी गुफ्तगू का जो है कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर होगा और आप लोग समझेंगे सीवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़, कॉमन प्रेवलेंस ऑफ द डिज़ीज़, और इससे बचाने की हम भी पूरी कोशिश करते हैं, आप भी कीजिए ऑब्जर्वेशन के जरिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।